चुनाव आयोग के बैन लगाने के बावजूद साध्वी प्रज्ञा आज भोपाल के दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने साध्वी प्रज्ञा पर 72 घंटे का बैन लगाया है। मुंबई आतंकी हमले में शहीद हेमंत करकरे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बाबरी मस्जिद को लेकर विवादित बयान दिया था। आप भी सुनिए साध्वी प्रज्ञा ने क्या कहा। ढांचा जो गिराया गया उसको गिराने को भी आपने गर्व, मैं बिल्कुल गई थी, ये मैंने कल भी कहा है, मैं उससे बिल्कुल ही पलट रही क्योंकि मैं गई थी, ढांचा तोड़ा था और मैं भव्य मंदिर बनाने जाऊंगी। बिल्कुल पूर्ण आत्मबल आत्मविश्वास के साथ बोल रही हूँ, ये मेरे राम जी हैं, मेरे आदर्श हैं, मेरी श्रद्धा है, मेरी भक्ति है, राम राष्ट्र है, राष्ट्र राम है, इसलिए भव्य मंदिर बनाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन विवादित ढांचा गिराने में भी आपका, मैं गई थी, काय का विवादित ढांचा, हमारे राम जी का मंदिर है, भव्य मंदिर बनाएंगे, पुनर्निर्माण करेंगे उसका। लेकिन चुनाव आयोग का कह रहा है कि धर्म और जाति के नाम, मैंने कह दिया अपना विषय, अब आप बताइए, जिसको जो कहना है कहे, मैं सिर्फ अपनी बात कह रही हूँ, बताइए। दीदी, बीजेपी कम से कम इस पे स्पष्ट तौर पर नहीं बोलती है, हमेशा उनसे राम मंदिर को लेकर सवाल किया जाता है तो वे कहते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और वहाँ से जो भी निर्णय आएगा हमको सर्वमान्य। आप कह रही है कि नहीं, हम तो हम भव्य मंदिर बनाने जाएंगे। अच्छा, आपने नहीं नकार।